अब इसे यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचाया जाए बारिश ने। आज देहरादून का मौसम कुछ ऐसा पूरा तूफान चल रहा है इधर, यहाँ पूरा यहाँ भी अब तूफान आने वाला है। पहले उधर साइड थे हम। कैसी रही आज की राइडिंग? बहुत ही कितना घूमे आप? बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब घूम गया मैंने। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार मैं मस्त हूँ। तो आज फिर से करें नए ब्लॉग की स्टार्टिंग, और अभी शाम के बज रहे हैं 6, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा छोटी सी राइड पे। आज मेरे साथ में एक सुंदर सी सुंदर सी प्यारी सी, देखो ये कितनी अच्छी हो मैं। इसको ये काफी टाइम से जाएंगे। हाँ, काफी टाइम से घूमी नहीं थी, तो इसने बोला जिद कर लिया, भैया मेरे को घूमने जाना है। तो भैया तो अभी बोलती है नहीं मेरे को, लेकिन मान लेता हूँ, मैं सपोर्ट कर लेता हूँ। चलते हैं यहाँ से आगे, चलते अभी मालदेता साइड आएंगे या कहीं, तो आपको मिलते हैं आगे ब्लॉग में, साथ में बने रहे। तो यार चलते हैं, आप रूम से हम आगे मे बी रायपुर साइड जाएंगे, क्योंकि अभी नज़दीक हुई है। और आज देहरादून का आप देख होंगे कितना खतरनाक मौसम हो रखा। अब ये देखिए पूरा आसमान में काले बादल छा रखे हैं, और दिन तक पूरा सही था, अभी ऐसा हुआ। और जस्ट अभी हम पहुँचे हैं रायपुर चौक पे, रायपुर चौक पे यहाँ पे भी तूफान चल रहा है। और इसके बाद हम सोच रहे हैं यहाँ से थोड़ा माल देवता साइड जाएंगे, देखते हैं आगे, अगर बारिश ना हो तो आगे जाएंगे, अगर बारिश हुई तो हमें वापस ही आना पड़ेगा। ऐसे उधर तो काले बादल छा रखे हैं पूरे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे इतना खतरनाक मौसम हो गया बेचारी को आज घूमने का मिला था, और यहाँ पूरा मौसम की स्टार्ट ख़राब हो गया। सोच रहे आगे जाए ना जाए। हमने डिसाइड किया कि हम वापस आएंगे और दूसरी जगह जाएंगे। रेखा जी कैसी रही आज की राइडिंग? बहुत ही कितना घूमे आप? बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब घूम गया मैंने। अबे यार इस पंडित की किस्मत इतनी गंदी है कि क्या बोले। इसे लेके जाना था व्यू पॉइंट पे उधर पीछे, लेकिन वहाँ तो बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है, पूरा बारिश आ रही है, उसके चक्कर में हमने घुमाई गाड़ी। अब अभी हम आ रहे हैं रायपुर स्टेडियम पे, आपको यहाँ पे दिखा दें कुछ राइडर्स वगैरह यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनकी एक गाड़ी तो पीछे जा रही है, इन्हीं के वो दिखाते हैं फिलहाल आपको। लड़की को जाना था इस पॉइंट पे, यहाँ पे अच्छा, और यहाँ पे अच्छा व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरा रायपुर का दिखता है। और लड़की पहुँच गई यहाँ, अब इसे यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचाया जाए, बारिश ने से यहाँ पहुँचा दिया बेचारी को। चलो इसी बहाने से स्टेडियम ही घूम ले, अब यहीं पे घूमेंगे, इसी किस्मत यहीं पे स्टेडियम घूमना है आज। कुछ कहोगे अपने किस्मत के लिए? मैं बोलना चाहूंगी भगवान ऐसी किस्मत किसी को सबको दे सबको दे। चलिए यार थोड़ा यहाँ पे फोटो वगैरह खींचते हैं, फिर करते हैं आगे ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरे रायपुर में लोग, तक काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं बाइकिंग राइडर एंड्स ऑल, और जिनको अपनी वीडियो बनानी होगी। यहाँ पे एक लड़की आ रखी है, उसको आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ही, तब वीडियो इसकी चलती है। देहरादून का मौसम कुछ ऐसा पूरा तूफान चल रहा है इधर, यहाँ पूरा यहाँ भी अब तूफान आने वाला है। पहले उधर साइड थे हम, वहाँ भी था, अब हम रायपुर स्टेडियम पे आ रखे हैं। इधर पीछे मेरे पीछे आ देखो स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन यहाँ पे इतने मैच तो होते नहीं, कोई इंटरनेशनल मैच, बस एक दो मैच हुए थे अभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, और तब से कोई मैच हुए नहीं। तो ये लड़की पहली बार आ रही है, इसको मैंने कहा थोड़ा घुमा देते हैं, क्यों आप पहली बार आ रहे हो, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे घूमने? घूमने के नाम पे मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे यहाँ पे लेके खड़ा कर दिया और घूमो मत। इसकी किस्मत ही खराब है, मौसम खराब हो गया, तो हम घूमने जाते हैं अच्छी जगह, लेकिन वहाँ पे पूरा बारिश क्या पूरा बिजली चमक रही, तो हम वहाँ से यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम सही था, ऊपर बादल भी कम थे। तो ये रायपुर स्टेडियम है, यहाँ पे लोग आते रहते घूमने, हमने कहा मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया, तो थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह एंड थोड़ा मूड फ्रेश के लिए आगे घूमने। कोई मूड फ्रेश नहीं हुआ कोई का, फ्रेश बहुत खुश है, खुश है, इसका मतलब मूड फ्रेश हो रखा है, अच्छी है, ये अच्छी बात है ज़्यादा नहीं घूमते बहन, इतना बहुत है। थैंक यू बोला था ना भैया को घुमाने के लिए, ऐसे ही घूमते हैं, ज्यादा नहीं घूमते। चलो फिर आप चलते हैं थोड़ा आगे, मैं भी थोड़ा चाय पीते हैं, क्योंकि घर पे इसने पिलाई नहीं, तो अब चाय पी लेते हैं। इन्होंने बोला हम घूमने
जा रहे हैं तो जल्दी जाएंगे, देर हो जाएगी पहुंचने में। घूम के वापस जा रहे थे, यहाँ पे हमें रास्ते मिला ये, इसी ने पूरे उत्तराखंड के बेरोजगारों की जिंदगी खराब कर रखी है, यूके सचिन ने। ध्यान से देखो इस बिल्डिंग को, इसके अंदर बैठे लोगों ने। सो फाइनली अब चलते हैं घर की ओर, बहुत घूम गए आज, इतना काफी है। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम घर पे, बहुत सारा घूमने के बाद कैसा लगा आपको घूम के? इतना घूम गई लड़की, इतना पैर दर्द हो गए एक ही दिन में, इतना घूम गई बहुत ज्यादा। और जैसे हम घर पहुंचते हैं दिखता है एक प्यारा सा सनसेट। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।